हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश की आज की इस वीडियो टेस्ट सीरीज में मैं अभिंद्र रंगा आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी मैंने दो दिन पहले आपके सामने इंग्लिश पर ही एक वीडियो प्रस्तुत किया था। उसमें मैंने 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने रखी थी। ये उससे आगे मैं वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिए, अगले लेसन में हमारा 11th वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ए पर्सन हु इज वायलेंटली हॉस्टाइल टू एस्टेब्लिश्ड बिलीफ कस्टम्स ट्रेडिशंस इंस्टीट्यूशन। ए पर्सन हु इज वायलेंटली हॉस्टाइल टू एस्टेब्लिश बिलीफ कस्टम ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशन, यानी जो पुराने रीति रिवाजों और विश्वासों का घोर विरोधी हो उसे क्या कहते हैं। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए स्टूडेंट्स, हेरेटिक। हेरेटिक क्या होता है स्टूडेंट्स? ए पर्सन बिलीविंग इन और प्रैक्टाइजिंग इन रिलीजियस हेरेसी। तो ये हमारा आंसर नहीं है। अगला है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक होता है स्टूडेंट्स ए पर्सन हु इज नॉट श्योर इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखने वाला ना हो। अगला है स्टूडेंट्स एपोथेक्रेसी। एपोथेक्रेसी होता है स्टूडेंट्स ए पर्सन हु प्रिपेयर्ड एंड सोल्ड मेडिसिन एंड ड्रग्स। उसके बाद में थीस्ट। थीस्ट होता है स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं, हु बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और उसके बाद में आता है आइकोनोक्लास्ट, और आइकोनोक्लास्ट ही इसमें हमारा आंसर है, यानी ए पर्सन हु इज वॉलेंटली हॉस्टाइल टू एस्टेब्लिश बिलीफ कस्टम ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशन। तो इसमें हमारा आंसर जो है ई हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स डेट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी जिसको ठीक नहीं किया जा सके। तो जिसको ठीक नहीं किया जा सके इन एलिजिबल। देखिए, इन एलिजिबल हमारा ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसका मतलब होता है अयोग्य, अनक्वालिफाइड हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद में है इन इलेक्टेबल। इन इलेक्टेबल क्या होता है स्टूडेंट्स? इन इलेक्टेबल होता है अनिवार्य, अनेबल टू बी रेसिस्टेड और अवॉइडेड, यानी जिसको अवॉइड भी ना किया जा सके और रेसिस्ट नहीं किया जा सके। तो इन इलेक्टेबल अनिवार्य। उसके बाद में है इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई भावना व्यक्त नहीं करने वाला, यानी उसके किसी भी ऐसा व्यक्ति जो कोई भी भावना प्रकट नहीं करे, यानी ए पर्सन नॉट शोइंग एनी इमोशन। अगला होता है इनकोरिजिबल। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, इनकोरिजिबल यानी दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। और इंट्रैक्टेबल, देखिए आंसर हमारा आ चुका है, लेकिन हमारा मकसद केवल आंसर बताना नहीं है बल्कि सभी के मीनिंग्स जो है अच्छी तरह से आपके सामने रखना है। तो इंट्रैक्टेबल होता है जिसका उपचार करना कठिन हो, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कंट्रोल और डील विथ। तो हमारा आंसर इसमें इनकरेजिबल आ जाता है। अगला देखिए स्टूडेंट्स, ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, यानी एक बच्चा जो अपने पिता की मौत के बाद पैदा हुआ हो, और वी कैन से ए बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर, यानी एक ऐसी बुक जो इसके राइटर, यानी इसके राइटर की डेथ के बाद, ऑथर की डेथ के बाद जो है पब्लिश हुई हो। तो ऐसे में हम यहां पर देखिए पहला दिया गया है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर क्या होता है स्टूडेंट? पिछला, यानी बिहाइंड समथिंग, ए पार्ट ऑफ बॉडी यू सिट ऑन, यानी जिस पर ऐसा बॉडी का जो पार्ट जिस पर आप बैठते हैं उसको पोस्टीरियर भी बोलते हैं। और इसके अलावा पोस्टीरियर यानी पिछला, बिहाइंड समथिंग यानी पिछला पार्ट हम कह सकते हैं। उसके बाद होता है पोस्टूमस। पोस्टूमस होता है स्टूडेंट्स, ये बी हमारा आंसर है, ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, और वी कैन से बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर। इसके बाद में आता है पेंटोमाइन। पेंटोमाइन क्या होता है स्टूडेंट्स? पेंटोमाइन होता है मेनली फॉर चिल्ड्रन विच इन्वॉल्व्स म्यूजिक जोक्स, यानी ऐसे बच्चे जो म्यूजिक और जोक्स जो है इत्यादि में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हो,
पेरीपेटेटिक। पेरीपेटेटिक क्या होता है स्टूडेंट्स? पेरीपेटेटिक होता है ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करने वाला, उसको हम पेरीपेटेटिक कह सकते हैं। इसी तरह से यहाँ ई ऑप्शन जो है वो आगे आपके सामने आएगा, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ, पोस्ट स्क्रिप्ट, SCRIPT। पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? पोस्ट स्क्रिप्ट होता है एन एक्स्ट्रा मैसेज, यानी अतिरिक्त सूचना उसको हम कह सकते हैं, और संदेश। अगला है स्टूडेंट्स देखिए, राउंड अबाउट वे ऑफ सेइंग, यानी कहने के तरीके को गोल गोल करना, यानी कपटपूर्ण बातें इसको हम बोल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है सरकमवेंशन। तो सरकमवेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स? द एक्शन ऑफ ओवरकमिंग ए प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज, यानी चाल और धोखा जिसको हम कह सकते हैं। दो नंबर पे है सरकमस्पेक्शन। तो सरकमस्पेक्शन होता है स्टूडेंट्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी एंड अनविलिंग टू टेक रिस्क, यानी सावधानी, किसी भी काम में सावधानी बरतना, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी एंड अनविलिंग टू टेक रिस्क। सरकमलोकुशन। सरकमलोकुशन क्या होता है स्टूडेंट्स? ये वही होता है राउंड अबाउट वे ऑफ सेइंग, सरकम लोकुशन, यानी कपटपूर्ण बातें इसको हम कह सकते हैं, सरकम लोकुशन, कपटपूर्ण बातें, यानी इनडायरेक्ट वे ऑफ टॉकिंग। सरकम सीजन। सरकम सीजन क्या होता है स्टूडेंट? सरकम सीजन होता है परफॉर्मिंग एज ए रिलीजियस राइट्स, यानी रिलीजियस राइट्स की तरह परफॉर्म करना। और उसके बाद में आता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन आप समझ सकते हैं, सर्कुलेशन सर्कल से संबंधित, सर्कुलेशन यानी गोल गोल, सर्कल से संबंधित। तो हमारा इसमें ऑप्शन सी हमारा आंसर हमें प्राप्त होता है। अगला स्टूडेंट्स वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो पोस्टेज स्टैम्प इकट्ठी करता हो। तो देखिए पहले आता है नंबर एक पर सिनेक्योर। सिनेक्योर देखिए स्टूडेंट, सिनेक्योर क्या होता है? कार्यभार रहित ऐसी नौकरी जिसमें कोई काम ना हो, बहुत कम काम हो। हु गेट सैलरी विदाउट वर्क और ए लिटल वर्क एंड हाई सैलरी वी कैन से। तो ये होता है सिनेक्योर। उसके बाद में आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होता है स्टूडेंट? गवर्नमेंट होता है ए पर्सन हु एंजॉय फूड एंड नोज ए लॉट अबाउट फूड, यानी एक आदमी जो खाने को एंजॉय करता हो और खाने के बारे में बहुत कुछ जानता हो, उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। उसके बाद में आता है फिलेंडरर। फिलेंडरर क्या होता है स्टूडेंट? फिलेंडरर होता है ए पर्सन हु हैज मैनी सेक्सुअल रिलेशनशिप, यानी व्याभिचारी व्यक्ति, इश्कबाज आदमी को फिलेंडर बोलते हैं, जिसके सेक्सुअल रिलेशन कई के साथ हो। उसके बाद में है फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट क्या होता है स्टूडेंट? फिलेटलिस्ट होता है कलेक्टर ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, यानी हमारा आंसर यही है, यानी डी इसमें हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है। उसके बाद में आता है मैनियक। तो मैनियक क्या होता है स्टूडेंट्स? मैनियक होता है पर्सन हु बिहेव्स इन ए वाइल्ड और स्टूपिडली, यानी एक आदमी जो स्टूपिडली बिहेव करता हो, वाइल्डली यानी जंगली जिसका व्यवहार हो, उसको मैनियक बोलते हैं। तो हमारा आंसर इसमें आता है डी। 16 नंबर में देखिए स्टूडेंट्स वन हु इज इजीली फूल्ड, यानी जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। तो पहला हमारा इसमें ऑप्शन है क्रेडुलस। तो क्रेडुलस तो ये नहीं होता। क्रेडुलस होता है ए पर्सन हु बिलीव्स इजीली ऑन अदर, यानी जो दूसरों पर आसानी से विश्वास कर ले। उसके बाद है गुलीबल। वन हु इज इजीली फूल्ड, यानी जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। तो बी इसमें हमारा आंसर होगा, लेकिन हमें सभी के मीनिंग तो जानने ही हैं। अगला है बोली। बोली होता है ध्वंस दिखाने वाला। हु यूजेज हिज स्ट्रेंथ और पावर टू हर्ट और फ्राइटन पीपल, यानी जो दूसरों को डराने में अपनी शक्ति का प्रयोग करता हो, उसको बोली बोलते हैं। वोलुबल। वोलुबल क्या होता है स्टूडेंट्स? वोलुबल होता है बातूनी, फिकल जिसे हम कह सकते हैं, टैक्टिव पर्सन यानी बातूनी व्यक्ति। उसके बाद में आता है ट्रैक्टेबल। तो ट्रैक्टेबल होता है स्टूडेंट्स इजी टू डील विद, मैनेज और कंट्रोल, यानी जिसको
डील करने में बहुत आसानी हो और जिसको मैनेज आसानी से यानी कंट्रोल किया जा सके। तो हमारा आंसर इसमें आता है बी ऑप्शन, गुलीबल। गुलीबल आप जैसे मैं आपको बता चुका हूं, वन हु इज इजीली फूल्ड। अगला स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट हु स्टडीज द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। फर्स्ट ऑप्शन हमारे सामने है जियोलॉजिस्ट। तो जियोलॉजिस्ट क्या होता है? भूविज्ञानी, एन एक्सपर्ट ऑफ जियोलॉजी। और हमारा आंसर यही है, साइंटिस्ट हु स्टडीज द कंपोजिशन ऑफ अर्थ। तो ए इसमें हमारा ऑप्शन है, लेकिन हमें जानना तो सभी का मीनिंग है, इसलिए हम यहां पर दूसरा मीनिंग देखते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट। तो डर्माटोलॉजिस्ट क्या होता है? त्वचा विशेषज्ञ, ए डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिजीज। जूलॉजिस्ट, तो जूलॉजिस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? जूलॉजिस्ट होता है जंतु विज्ञानी, हु स्टडी एनिमल्स एंड अदर वाइल्ड लाइफ। जो एनिमल और वाइल्ड लाइफ के बारे में स्टडी करता हो उसको जूलॉजिस्ट बोलते हैं। उसके बाद में है फिलोलॉजिस्ट, तो फिलोलॉजिस्ट होता है लिंग्विस्ट, वन हु स्टडी इन लैंग्वेजेस, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस वी कैन से। तो इसी तरह से आगे है एंटोमोलॉजिस्ट, तो एंटोमोलॉजिस्ट होता है कीट विज्ञान, कीट विज्ञान आप समझ सकते हो, वन हु स्टडी ऑन इंसेक्ट्स वी कैन से। तो हमारा आंसर इसमें आता है ए, जियोलॉजिस्ट। 18 नंबर में देखिए स्टूडेंट्स, 18 नंबर में कहता है समथिंग दैट मस्ट हैपन एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड, ऐसी चीज जो घटेगी जिससे बचा नहीं जा सकता। पहला ऑप्शन है इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल होता है इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट, यानी जिसको रोकना और जिसको टालना मुश्किल हो। उसके बाद में आता है इनस्क्रूटेबल, इनस्क्रूटेबल क्या होता है? इनस्क्रूटेबल होता है ए पर्सन नॉट शोइंग एनी इमोशन एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम, ए पर्सन नॉट शोइंग एनी इमोशन एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम, इनएविटेबल। तो ये हमारा आंसर है, यानी समथिंग दैट मस्ट हैपन एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है वो होता है इनएविटेबल। उसके बाद में आता है डी ऑप्शन पे इनिमिटेबल, टू गुड टू बी सेटिस्फैक्टरीली कॉपीड बाई एनीवन, यानी अनुकरणीय, जिसको का अनुकरण किया गया हो, अनुकरणीय, इमिटेबल, इनइमिटेबल। उसके बाद में है इनवेरिएबल, तो इनवेरिएबल क्या होता है? इनवेरिएबल होता है अपरिवर्तनशील, यानी जिसका परिवर्तन ना किया जा सके, नो चेंजिंग वी कैन से। उसके बाद में है वन हु इज सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड इज कैनिबल, कैनिबल आप समझ सकते हैं कैनिबल क्या होता है, मानव का मांस खाने वाला तो कैनिबल होता है। देखिए वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश कैनिबल। उसके बाद में आता है टीटोटालर, और टीटोटालर क्या होता है आप समझ सकते हैं, वन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल। उसके बाद में आता है कॉस्मोपोलिटन, कॉस्मोपोलिटन क्या होता है स्टूडेंट? कॉस्मोपोलिटन होता है कंटेनिंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी सर्वदेशीय, अन्य देशियों की संस्कृति से प्रभावित जो होता है उसको कॉस्मोपोलिटन बोलते हैं। उसके बाद में आता है अब्सोल्यूट, नो लॉन्गर यूजफुल बिकॉज समथिंग बेटर हैज बीन इन्वेंटेड, यानी कुछ नया आ गया है इसलिए उसको पुराने को त्याग देना, यानी जिसका यूज ज्यादा ना हो, आगे उसकी जरूरत ना हो। आगे आता है एस्पीशियस, एस्पीशियस क्या होता है स्टूडेंट्स? एस्पीशियस होता है दैट सीम्स लाइकली टू बी सक्सेसफुल, दैट सीम्स लाइकली टू बी सक्सेसफुल। तो हमारा इसमें आंसर आता है कॉस्मोपोलिटन, वन हु इज सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी अभी मैंने आपको बताया था कॉस्मोपोलिटन यानी कंटेनिंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सर्वदेशीय, जिसको हम कह सकते हैं अन्य देशों की संस्कृति से जो प्रभावित हो वो कॉस्मोपोलिटन होता है। अगला है स्टूडेंट्स गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिलीजन, यानी जो गवर्नमेंट धर्म पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? पहला है डायरेक्टी, तो डायरेक्टी होता है गवर्नमेंट बाई
टू इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज। और थियोक्रेसी क्या होता है स्टूडेंट्स? थियोक्रेसी होता है धर्मतंत्र, वेयर प्रीस्ट पुजारी रूल इन द नेम ऑफ गॉड, यानी जहां पर प्रीस्ट जो है भगवान के नाम पर शासन करते हैं, उसे थियोक्रेसी कहते हैं। और थियोक्रेसी ही इसमें हमारा आंसर है। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी होता है स्टूडेंट्स धनिक तंत्र, यानी धन, जिनके पास धन होता है उन लोगों का शासन, यानी गवर्नमेंट बाई द वेल्दी पर्सन। उसके बाद में डी ऑप्शन इसमें दिया है स्टूडेंट्स। ओलिगार्की क्या होता है स्टूडेंट्स? कुलीन तंत्र, यानी ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ ए कंट्री, यानी थोड़े से लोगों का ग्रुप जो पूरे देश पर कंट्रोल करता हो। अरिस्टोक्रेसी क्या होता है स्टूडेंट्स? द पीपल ऑफ हाइएस्ट सोशल क्लास हु ऑफन हैव ए स्पेशल टाइटल, जिन्हें उपाधियां मिली हुई हो, शिष्ट जन इसको हिंदी में आप कह सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारा आंसर आता है थियोक्रेसी। तो स्टूडेंट्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आधारित ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना न भूलें, तथा साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मैं लगातार आपके लिए हर विषय पर वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद।